दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी कोल्हान की टीम हमारे पास साथ है यहाँ स्थित, और तमाम जो क्रांतिकारी योद्धा मैं कहूँगा JBKSS JLKM की टीम यहाँ आए हुए हैं। आप सबका अब तक न्यूज़ में मैं स्वागत करता हूँ। और आज अभी आप लोग सबसे पहले तो और बधाई भी दूंगा कि आप लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा जो आप लोग किए इतने सफलता के साथ में, और बिना किसी जो है मैं कहूंगा कि झगड़ा झंझट के आप शांतिपूर्वक आप लोगों ने जो आंदोलन किया ये देखने लायक थी। आज पूरे झारखंड में एक नाम हो रहा है JBKSS JLKM की, जो झारखंड के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाला। मेरा सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, आप लोग अपने कोल्हान स्तर पर किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? नवीन जी हमारे साथ में, नवीन जी कोल्हान के अध्यक्ष हैं JBKSS JLKM के। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हो सभी को प्रणाम जोहार। तैयारी आज से नहीं, हम लोग 3 वर्ष पूर्व से ही हमारी कंटिन्यू यहाँ चालू है। कोल्हान आपको जैसे जानते हैं विद्रोह की भूमि रहा है कोल्हान, हमारे चुहाड़ विद्रोह हो, संताल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, सभी विद्रोह यहाँ हुए। यहाँ के लोग हमेशा मतलब कोई भी विद्रोह में पीछे नहीं हटे, हमेशा लड़े हैं। अभी हाल में ही देखे होंगे हम लोग एक स्वाभिमान यात्रा निकाले थे जिसकी आपने अभी चर्चा की, सफल रहा वो प्रोग्राम। और हम तो सभी को बधाई के इसमें हम पात्र बोलेंगे कि जितने भी महिला हमारे जितने भी नेतृत्वकर्ता वो केंद्र के हों, जिला के हों, प्रखंड पंचायत एवं जो भी प्रत्याशी बहुत जन दावेदारी पर थे उन्होंने भी अपने वहाँ अच्छा सफल बनाने में हम योगदान रहा, सभी का योगदान से इसको हम लोग सफल कर पाए और बहुत ही अच्छा हुआ। हमारा देखा देखी शहर के बीचों बीच हुआ नहीं था, ऐसा कोई भी दल नहीं कर पाया था जो आज हम लोगों ने कर दिखाया। कहीं ना कहीं आज जो ये हौसला और जो हम लोगों में एक आई है JBKSS JLKM पार्टी के लोगों के अंदर, तो इसका एक ही क्रेडिट जाता है, सारा क्रेडिट जाता है हमारे टाइगर जयराम महतो जी। आज उन्हीं के विचार और उन्हीं के हौसलों की वजह से आज हम लोग एक ऐसे जगह में, कहते हैं ना झारखंड तो बन गया लेकिन झारखंड को चलाने वाला कोई और है, और उस जगह हम लोग अपने आप को स्थापित कर पाए। और मतलब झारखंड की जो पहचान थी कहीं ना कहीं आज हर पार्टी के लोग हैं, देखिए JMM बोलिए, BJP बोलिए, आजसू बोलिए, मैंने सब कोई पार्टी मतलब अपने आप में एक मैंने सौदा कर लिए एक दूसरे के साथ। अभी आप देखे होंगे सुदेश महतो जी का वो बराबर आपको न्यूज़ में आ रहा होगा कि दिल्ली वो अमित शाह के पास टिकट मांगने जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है आज ये झारखंड के लिए, मतलब वो झारखंडी होकर के उनसे BJP से भीख मांग रहे हैं। बस वही दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। देखिए झारखंड अलग तो हो गया लेकिन आज भी सोचिए हमारे लोग किस तरह, हमारे आप बताए पार्टी सुप्रीमो है आजसू के, और वे टिकट मांगने गए हैं दिल्ली अमित शाह के पास, और भी कितना सीट, 8 सीट 9 सीट 10 सीट, मतलब अब बताइए अब झारखंड में है, अब मतलब झारखंड अभी कौन चला रहा है? जब दिल्ली मांगने गए झारखंड तो दे दिया, तो हम लोग को झारखंड का ही है। अब झारखंड अब क्षेत्रीय पार्टी है, अब 81 के 81 सीट में अब लड़िए ना, अब झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी भी अब 81 सीट में लड़ना चाहिए, JMM को भी लड़ना चाहिए, हम तो जा रहे हैं JMM भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको भी लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग देखिए सीट का कैसा सौदा और 8 सीट 9 सीट, मतलब हमको नहीं लग रहा ये बहुत ही मतलब सुप्रीमो को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए आज, क्योंकि टिकट अपने आपको झारखंड में जिस तरह हमारा पार्टी जैसे JLKM पार्टी हम लोग बोल दिए हैं खुला चेता है, और जितना सीट में आवेदन आएगा हम लोग 81 के 81 सीट में लड़ने का हम लोग हिम्मत रखते हैं, तो उनको भी ऐसा हिम्मत दिखाना चाहिए 81 के 81 सीट में, अगर आप झारखंडी हित में और झारखंडी हैं तो। अब सीट मांगने गए क्या, कैसे आप सोचिएगा, अब 8 सीट 9 सीट मैंने बार्गेनिंग करें, मतलब झारखंड को कोई और चला रहा, अब 24 साल से अब सरकार में, इसे सबसे ज़्यादा तो आपने देखिएगा झारखंड में भाजपा ही राज किया, अब 20 साल तक अब थे डिप्टी CM कुछ नहीं कर पाया, हर मंत्रालय अपने संभाला कुछ नहीं कर पाए, अभी आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, झारखंड अब जाग चुका है। कहने का मतलब सुरेश जी जो है झारखंड में अपने जो कहने का मतलब कुर्मी ही का ही मुद्दा नहीं है, और भी आप झारखंड अलग हो गया, जो 20 साल सबसे ज़्यादा भाजपा ही राज किया, अभी तक यहाँ के लोग देखिए बेरोजगार हैं, कहीं रोजगार नहीं है, कंपनी में देखिए नेता मंत्री लोग का ज़्यादा शेयर है, हम लोग के लोगों का कुछ नहीं है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए, मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे, अभी आप लोग 24 20 साल हो गए आप लोग अभी तक स्थानीय नहीं परिभाषित कर पाए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, आप वो भी नहीं कर पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अब झारखंड में झारखंड कौन है ये आप लोग परिभाषित नहीं कर सके। आज भाजपा जबकि आपका केंद्र में भी सरकार था, राज्य में भी था, लेकिन आज तक आप लोग साबित नहीं कर पाए। नवीन जी अभी लालच दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गो गो
दीदी योजना शुरू करी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मैया योजना शुरू किया था, वो गोगो तो दीदी के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा। अक्टूबर से फॉर्म सुनने में आ रहा, घर घर उनके कार्यकर्ता बांटेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देने दीजिए, अभी जैसा मैया योजना है 1000 रुपया देने दीजिए, हम बोलेंगे ये लोग कहाँ था, ये लोग जब हम सरकार भी कहाँ था, हेमंत सोरेन जो ये लोग सरकार कहाँ था, 5 साल अभी होने जा रहा, अभी 2 महीना पूर्व बचा हुआ है, अभी आप मैया योजना ला रहे हैं, आपको 1000 रुपया देना था तो पहले क्यों नहीं दिए, पहले से सुचारू रूप से चालू करते। अभी भाजपा जैसे गो वाला योजना बता रहे हैं तो वो वाला पहले कर देते, अभी करके क्या, कहीं ना कहीं आप जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना आप लोग, आप जो नेता है आपके ऊपर एक सवाल बढ़ रहा है कि आप 24 साल में कुछ नहीं किया, तब जाके आप जनता को अभी लुभाने के लिए सबका छोटा छोटा दे रहे हैं 1000 रुपया। 1000 के हम तो जा, आप एक एक जन को दीजिए 20,000-30,000 करके दीजिए अकाउंट में, और देने का भी आज एक एक देखिए, हम लोग भ्रष्ट मंत्री लोग पकड़ा रहा, पैसा कितना पकड़ा रहा आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज में, पूजा सहगल, छवि रंजन, सब भ्रष्ट पदाधिकारी, कितना कितना पैसा मिल रहा है, सोचिए झारखंड का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ नहीं, आप सोचिए। फिर भी हमारा झारखंड आज हम लोग जस के तस, हम लोग कहीं कुछ नहीं हुआ, हमारा साथ एक छत्तीसगढ़ देखिए एक ही साथ अलग हुआ था, देखिए वो कहाँ है, झारखंड। लोगों को समझिए, 24 साल हो गया, अब अभी तक अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो झारखंड इस मतलब धरातल से रसातल के जाने में लेट नहीं लगेगा, और यही साल है जो परिवर्तन का साल है, 2025 में हम लोगों को नया सरकार, नए युवाओं की सरकार को बनाना है, सोचिए और समझ के हम लोग को वोट करें। JLKM को धन्यवाद आपका। दीपक जी, आवाज गला वाला ठीक है आपका, क्योंकि आप तो उस दिन बहुत आवाज बुलंद करके हल्ला कर रहे थे। देखिए बिल्कुल मेरा आवाज बुलंद है, और चुनाव तक ऐसे ही बुलंद रहेगा, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव युवाओं का पहचान है, और युवाओं में एग्रेसिव होना जायज है, क्योंकि 24 सालों में झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल है किसी ने झारखंड को सही सलामत नहीं चलाया, यहाँ तक कि 24 सालों में 3-3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। क्यों राष्ट्रपति शासन लागू होता, सबसे बड़ा कारण कि वहाँ दोनों के बीच बार्गेनिंग जो चलता है, बार्गेनिंग में सौदा नहीं होता है, इसी के चलते राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि जनता ने किसी न किसी रूप में किसी को भी वोट देके विधायक बनाया था, लेकिन आप लोगों ने सरकार नहीं बना पाया, ये गलती आप लोगों की थी, इसीलिए वो तो सबसे बड़ा गलती। उसके साथ साथ एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बना, 400 करोड़ का घोटाला, वो आज 4000 करोड़ का घोटाला करने वाला आज बीजेपी में शामिल हो रहा है, आज बिहार के पार्टी का आज झारखंड में प्रवेश करा रहा कौन, NDA। क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल में ये लोग के भरोसे में सरकार है, तो आप सोचिए हम लोग झारखंड के लोग, हम लोग जो क्षेत्रीय दल को बढ़ावा देने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टी अदर स्टेट के पार्टी को झारखंड में प्रवेश करा रहे हैं, इसका तो विरोध होना चाहिए, और हम लोग एकदम बिल्कुल, क्यों सीट मिलेगा जी, झारखंडी झारखंडियों के लिए, अब बाहर वाला पार्टी को यहाँ सीट क्यों दे रहा है, इसका मतलब आप अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं सेंट्रल में, नहीं चलेगा। दूसरा चीज, आज 24 सालों में जितने भी सरकारें बनी किसी ने यहाँ के लोकल आदमी के लिए कुछ नहीं सोचा, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में आज इतना युवा आक्रोशित होने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा चीज, आप देखिए 24 सालों में यहाँ तक कि सब हमारा कोल्हान से 3-4 गो मुख्यमंत्री आते हैं, कोल्हान में क्या स्थिति आप देख सकते हैं। दूसरा चीज, आज अगर JLKM का रुझान बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 24 सालों में आपने काम नहीं किया। आप अभी रिसेंट में देखिए दोनों पार्टी क्या कर रहे हैं ना, कोई गोगो योजना, कोई मैया योजना, ये सब ला रही है, जनता को लुभाने का योजना ले रही है। आप देख रहे हो लोग सड़क में अभी पसीना बहा रहे हैं, आप अगर काम किए होते ना तो पसीना नहीं बहाना पड़ता रोड में, और हम लोग अगर 5 साल जनता हम लोग अगर आशीर्वाद देके बनाते हैं ना, तो हम लोग 5 साल का काम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये गोगो और ये मैया योजना के नाम पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने काम किया, काम का आप कहे नहीं जिक्र करते हैं जनता के सामने कि 5 साल हमने जो सरकार चलाए, हमने इतना सारा काम किया जनता के बीच,
बीच में, वो रखना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए हेमंत सोरेन की सरकार, पूरी सरकार मैया योजना के नाम पर डिपेंड, हर जगह मैया योजना। अरे 5 साल आपने काम किया उस पर तो थोड़ा भी नहीं बात कर रहे, सिर्फ मैया योजना। और इधर एनडीए तरफ आ रहे हैं बाहर के बड़े बड़े मंत्री लोग, वो लोग क्या जानेंगे झारखंड के दिशा के दशा के बारे में? माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो क्या जानते हैं झारखंड के बारे में? शिवराज सिंह चौहान जी, वो क्या जानते हैं झारखंड के बारे में? तो सेंट्रल के मंत्री लोग यहाँ आके अगर प्रचार प्रसार करेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का दर्द कौन जानेगा? वो मुख्यमंत्री जानेंगे? नहीं जानेंगे। यहाँ जो हमारे आज तक आसाम में आदिवासी को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद मुख्यमंत्री जी शारदा को टी ट्राइब कहा जाता है, खुद सिर शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी है मुख्यमंत्री जी। तो तब वो क्या हम लोग के झारखंड के युवा के बारे में बताने आए हैं? अब देखिए कल लिखे हैं, आज जो है हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार की क्या हो सकता है, नौकरी की क्या हो सकता है, आप मुर्गी पालिए बकरी पालिए, काहे के लिए नौकरी मांगते हैं, नौकरी में बहुत परेशानी है, क्या कहेंगे? पहले तो मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहेंगे कि पहले आप जो आपके पूरे परिवार है ना, जितने परिवार के जितने आपके विधायक हैं, उनको बोलिए कि वो विधायक छोड़ दे और कहीं पर हिमालय में जाके काम करे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। जो हम लोगों को बोलते हैं मुर्गी पालन करना, अंडा पालन करना, उनको बोलिए कि कुछ ना करे, वो जाके हिमालय में बैठे आराम से खाए पिए और शांति से सोए। क्योंकि यदि ऐसा ही है तो आप ये चीज झारखंडियों को समझाते हैं, बाकी नौकरी तो यूपी बिहार और बंगाल के लोग नहीं, नहीं हम उसी बिहार दादा। देखिए वो यदि नौकरी यदि उतने खराब थे तो बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग उनको नहीं करना चाहिए था। यदि नौकरी आधा किया है, हाँ आधा ही किया, अभी तो उनको तो नया फंडा चल रहा है ना कि आप 1,000 रुपया दे देते मैया योजना के नाम पे, वो जो जो उसका मतलब जो एक ये बनाया गया था उनका जो 2019 में एक घोषणा पत्र ये होता है जिसमें लिखा था कि 5 लाख नौकरियां देते, यदि 5 लाख नौकरियां दे दिए होते तो आज ये 1,000 की लाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि 5 लाख परिवार हमारा सुरक्षित हो जाता और एक परिवार का जो पेमेंट होता कम से कम 20 से 25 हज़ार होता और अपना 20 से 25 हज़ार हर महीने कमाते, 1,000 रुपये नहीं कमाते आपके, 1,000 रुपये हम लोग नहीं रहते। आपने उसके बाद भी कहा था यदि इतने ही पैसे आपके पास थे, ग्रेजुएट को 5,000 की 4,000 की बात हुई थी वो आप दे देते, यदि इतने पैसे थे जो सहायक पुलिसकर्मी थी जिनका 10,000 पेमेंट है और जो अभी न्यूनतम भत्ता है, जो न्यूनतम एक लेबर का पेमेंट होता है वो 17,800 कुछ रुपया है, ठीक है 17,883 रुपया कुछ है, तो वो पेमेंट भी आप नहीं दे रहे, उनको देने के लिए 6-6 महीने का पैसा दे रहे हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको नहीं दे पा रहे, जो होमगार्ड है उनको 3 महीने का पेमेंट करते हैं, जो हमारे पारा शिक्षक है उनको 6-6 महीने का पेमेंट करते हैं, जो हमारी सहायिका है जो जो गांव में सेविका होती है ना सर, वो सेविका जो है उन सेविका को सेविका का 2,000 पेमेंट है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं सरकार? हम ये बोलना चाहते हैं ये सब क्यों, ये तो आप यदि पहले की काम किए, सही बोले दीपक दा जो बोले या रविंद्र जो बोले वो सही बोले कि यदि आप 5-4 साल काम किए होते ना तो ये मैया योजना की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना काम लेके जाते, अपना घोषणा पत्र में घोषित किया जाता कि ये होता। अभी तो नया नया घोषणा पत्र आया कि 2,83,735 वोट देंगे, मतलब उनको मिलेगा जो हमारे बीजेपी ने ये घोषणा की है, हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनको क्या मालूम है झारखंड का दर्द? झारखंड के भोले वाले लोग को सिर्फ ठगने के लिए आते हैं, आप लोग बाहर से आ जरूर सकते हैं, हम लोग के दर्द को समझ नहीं सकते, जो इस धरती में रहा है, जो इस परिवेश में जो रहा है वही समझ सकते हैं कि हमारे झारखंडियों का दर्द क्या है, झारखंडियों के साथ क्या हो रहा है। अभी तो शोषित हुए हैं हम लोग, अब ये जो 24 सालों में जितने भी सरकारें बनी है सिर्फ शोषित किया गया है और कुछ नहीं हुआ है, जो भी है बड़ी बड़ी सरकार बड़ी बने और हमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो अच्छी अच्छी पार्टियां हैं जैसे आसू हो गया, बीजेपी जेएमएम हो गया, ये लोग किसी गोद में जाके बैठने का काम कर रहे हैं, जानते हैं कि हमारा बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो सीधा जाके उनके गोद में बैठ जाते हैं कि अब हम तो सुरक्षित हो गए, हमको ईडी से नहीं मतलब है, क्योंकि ईडी वाले आपको घेर लेंगे, इसलिए वो चले जाएंगे उसमें और जो जेएमएम वाले वो चले जाएंगे कांग्रेस में, नहीं तो इतना ही है तो सब अलग अलग लड़े, हम लोग भी अलग अलग लड़ने को तैयार हैं, आप लड़िए उसके बाद जनादेश जब भी आता है तो होगा। धन्यवाद आपका। आज जो है झारखंड में जेबीकेएसएस जेल कैंप बहुत बड़ी उभर कर आ रही है, आज आप लोग एकजुट हुए हैं, आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या है बैठक का? देखिए आज बैठक का जो उद्देश्य है हम लोग का, जो 24 साल का जो झारखंड में झारखंडी का मतलब हक अधिकार न्याय मिला नहीं, जैसे कि आपको उदाहरण के स्वरूप हम देना चाहते हैं, जितने भी जमशेदपुर के जो भी विधायक मंत्री है सबका ठीका भेंडर चलता है टिस्को में, लेकिन हम लोग का यहाँ जो लोकल है जो आदिवासी है आपको सड़क में देखने पड़ेगा कि उन लोग झाड़ू मार रहा है,
तो ये जो न्याय के लिए आज हम लोग झारखंड के जो लोकतांत्रिक मोर्चा है, हम लोग ये समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरा जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, उस समाज का अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति के मोर्चा हम लोग न्याय दिला के रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहे। धन्यवाद। आज आप लोग युवा हैं और युवा जो है लगातार झारखंड में एक तड़प रहा है कि झारखंड में जो 24 वर्ष की सरकार है लगातार केवल और केवल युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। आज आप लोग जेल कैंप बैठक की कि आप लोग अपना झारखंड में अपना विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की तैयारी करेंगे, क्या है आपकी अपनी सोच? देखिए, हमारी सोच है जिस तरह से भाजपा जेएमएम झारखंड में 24 साल में राज किया, ये सही बात है कि युवाओं को ठगा गया है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे नीति नियम बनाया जा रहा है जो आदिवासी मूलवासी के खिलाफ है। आज हमारा टाइगर जयराम महतो जो मुद्दा लेके चल रहे हैं झारखंड को बचाने का, ये बहुत सही मुद्दा है, ये ग्रामवासी समझ रहे हैं। और जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, हमें लगता है आने वाला सीएम टाइगर जयराम महतो होंगे। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, आज समन्वय समिति का बैठक है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर पंचायत हर मोहल्ला हर टोला टच कर रहे हैं, और ये हमारा जो जयराम महतो का विचारधारा है उसको प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय हमको लगता है, मेरा अनुभव से, कि आने वाला समय झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार झारखंड में बनेगी। धन्यवाद आपका। आप भी युवा हैं, आज अंत में कहिए कि अब आप लोग जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपना परिचय। मैं आदिवासी मूलवासी से हैं और मेरा नाम नारायण सोरेन, और मैं संताल समाज से भी हूँ। आज देखा जाए कि हम लोगों का झारखंड में हमारे आदिवासी सरकार होते हुए भी, और एक हम आदिवासी भाई भी हैं, तो आज देखा जाए आज झारखंड में हम लोगों के लिए कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। आप देखिए, कहीं कंपनी में आप चला जाइए, कहीं भी हम लोगों का जो है अभी तक अच्छा नौकरी नहीं मिला है या रोजगार अभी मिला है। और जहां तक बात है कि अभी झारखंड में सबसे पहले तो यह है कि हमारे पूर्वज लोग जो लड़े हैं, खून बहाए हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, बहुत कोई ऐसे हैं, तो अभी तक वो लोग हमारे लिए जगह जमीन धरती हम लोगों के लिए बचा के रखे हैं। लेकिन आज हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको भी ये मेरे बड़ा भाई को हम बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह वोट मांगने के लिए घर घर अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं, आप घर घर में माझी बाबा हाथू मुंडा को पूछे कि आपका गांव में कितना हमारे युवा और आदिवासी लड़का को रोजगार मिल रहा है। और आप देखिएगा, हर एक कंपनी में आप देखिए, या आदिवासी भाई जो है अभी तक अच्छा नौकरी मिल रहा है, या पढ़ाई लिखा हो के भी अभी कहीं भी, खाली हम लोगों का खाली रोजगार ये मिल रहा कि झाड़ू पोछा। तो क्या यही हम लोगों का झारखंड अलग हुआ है? तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि जो भी है हमारे जो सरकार बनेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे टाइगर जी जो है जयराम महतो जी, जिस तरह जनता के लिए घर घर में जाके आज संगठन बन रहा है, तो कल हमारे जयराम जी अगर सीएम बनेंगे तो घर घर में आदिवासी घर में आदमी को भी जागरूक करेगा और नौकरी देने का काम करेगा जयराम जी। तो बस यही कहकर अपना बात को विराम करते हैं। तो धन्यवाद। अब तक न्यूज सच आपके सामने।